नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में। आज हम क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसमें है किरचॉफ का नियम, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं किरचॉफ का नियम होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे है और ऐसे ही आगे देखते हैं। आइए वीडियो में किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं हम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम में किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए थे जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच वितरण ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ को विभिन्न चालकों के बीच वितरण ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं किरचॉफ का पहला नियम क्या है। किरचॉफ का पहला नियम, जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, किरचॉफ का पहला नियम पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि संधि का नियम कहते हैं, संधि होती क्या है। तो आइए हम संधि की परिभाषा देखते हैं, संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा में सबसे पहले देखते हैं, किसी परिपथ में वह बिंदु जिस पर तीन अथवा अधिक चालक होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस पे कम से कम तीन चालक होने चाहिए। तीन चालक हैं, 1, 2, 3, यही हमारा क्या है, संधि है। अब देखते हैं किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा आई बराबर 0। फिर से एक बात देखते हैं, किरचॉफ का पहला नियम, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त बीज गणितीय योग का योग शून्य होता है। आइए, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा चित्र है, हम सभी देख सकते हैं, हमने एक चित्र बनाया है जिसका मान हमने रख दिया है I1, I2, I3, I4, I5। इसमें ये हमारी क्या है, संधि, जिसे हम ओ मानते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या आती है, जब हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं समय, संधि की ओर आने वाली धारा देख रहे हैं आप, इस संधि की ओर आ रही है, ये हमारा संधि है, धारा संधि की ओर आ रही है। संधि की ओर आने वाली धारा सदैव घनात्मक होती है और संधि से दूर जाने वाली धारा, आप देख रहे हैं संधि है ये, संधि से धारा दूर जा रही है, विपरीत जा रही है, तो संधि से दूर जाने वाली धारा को हमेशा ऋणात्मक लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे, संधि है, चलिए हम I1 किसमें है, धारा के किधर जा रही है, संधि की ओर, तो प्लस I1 लिखेंगे, ठीक है, यहां नहीं लिखते हैं, I1 लिखते हैं। उसके बाद I2 देखते हैं, I2 भी संधि की ओर जा रही है, उसको भी हम प्लस में लिखेंगे, प्लस I2। अब देखते हैं I3, क्या I3 संधि की ओर आ रही है, जी नहीं, ये संधि से दूर जा रही है। अभी हमने बताया जो संधि से धारा दूर जाती है उसे हम हमेशा ऋणात्मक में लेते हैं, तो यहां पे हम लेंगे -I3। अब I4 को देखते हैं हम, I4 भी संधि से दूर जा रही है, जो I4 की धारा है वो संधि से दूर जा रही है, तो इसको हम माइनस में लेंगे, -I4। अब बात करते हैं I5 की, I5 देखिए क्या संधि की ओर आ रही है, जी नहीं, ये भी संधि से दूर जा रही है, तो इसका भी मान हम लेंगे माइनस में, -I5 = 0। अब इसको हम अगर और सॉल्व करें तो आप लोग देख सकते हैं जो माइनस की संख्या है उसे हम पचहत्तर करेंगे, प्लस में हो जाएगी, I1 + I2 = I3 + माइनस में था उस तरफ गया प्लस हो गया I4, ये भी माइनस में था पृच्छांतर किया गया प्लस I5। ये हमारा पहला नियम था,
उम्मीद करता हूं आपको पहला नियम समझ में आया होगा। और एक बात, हाँ, किरचाफ का पहला नियम, किरचाफ का पहला नियम किस पर लागू करता है? तो किरचाफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, क्योंकि आवेश तो संरक्षण व्यक्त क्यों करता है? धारा है, धारा में आवेश प्रवाह हो रहा होगा, क्योंकि धारा की परिभाषा ही होती है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। कोई धारा आ रही है, धारा क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें कोई आवेश है, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो हम लिख देंगे यहां पे, यह आवेश के संरक्षण। आगे हम देखते हैं किरचाफ का दूसरा नियम, किरचाफ का दूसरा नियम जिसे हम लूप का नियम भी कहते हैं। जानिए लूप का नियम किसे कहते हैं, लूप कहते किसे हैं? तो लूप की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, लूप, लूप किसी बंद चालक पथ को लूप कहते हैं, किसी बंद चालक पथ को लूप कहते हैं, ठीक है, किसी बंद चालक को लूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंद चालक है, इसे ही हम कहते हैं लूप, तो इसको मिटा देते हैं। आगे देखते हैं दूसरा नियम कहता क्या है। तो किरचाफ का दूसरा नियम कहता है किसी परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल, ध्यान समझिएगा, किसी परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल का योग उस परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होती है। एक बार फिर से सुनते हैं, पर किसी परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल का योग उस परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होती है, यानी सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। ये है किरचाफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बताया हमने, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। जैसे मान लीजिए कोई एक परिपथ है, चालक प्रतिरोध है, अगर हम धारा दिशा दिखा देते हैं इसमें, अगर हम धारा के साथ चलते हैं, धारा जा रही है ऐसे, हम भी इसी तरफ जा रहे हैं, अगर धारा ऐसे जा रही है हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो उसका मान हमेशा माइनस लिखेंगे। ये धारा I है, ये प्रतिरोध R है, तो माइनस I R। अगला देखते हैं, मान लीजिए कोई चालक प्रतिरोध है, धारा इसमें विपरीत जा रही है, थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहला क्या बताया हमने, मान लीजिए कोई चालक प्रतिरोध है, धारा उसमें इधर जा रही है, और जिस तरफ धारा जाए अगर हम भी उसी तरफ जाएं, तो उसका मान हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो माइनस आई आर। मान लीजिए दूसरा है, ये पहला था, दूसरा नियम है, मान लीजिए कोई चालक प्रतिरोध है, उसकी धारा विपरीत दिशा में है, और हम धारा इधर आ रही है और हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं कुछ इस प्रकार, तो उसका मान हमेशा हम प्लस में लिखेंगे, प्लस आई आर। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, कोई विद्युत वाहक बल है, प्लस माइनस, ये बड़ा वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, ये समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए कोई विद्युत वाहक बल है, ये प्लस है और ये इसे माइनस डोंट करते हैं, अगर धारा प्लस की ओर जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, मान लीजिए प्लस है, प्लस हमारा बड़ा होता है माइनस छोटा होता है, कोई प्लस से माइनस में जा रही है, तो हमेशा ई को हम माइनस में लिखते हैं। अगला है इसी तरह, मान लीजिए माइनस से अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मान हमेशा हम लिखेंगे प्लस में, प्लस ई। आगे देखते हैं,
ये हमारा चित्र है। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे, हमारे पास दो बंद पास हैं, ए बी सी डी ए, एक बंद पास ये हो गया, और डी सी एफ ई डी इतना दूसरा बंद पास है। देखते हैं बंद पास या लूप हम कह सकते हैं लूप, पहले बंद पास को सॉल्व करेंगे ए बी सी डी ए में। दूसरे नियम में हमने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कोई चालक प्रतिरोध था, जिस तरफ हम धारा जाएगी अगर उसकी विपरीत आ रहे हैं हमेशा माइनस मिलेंगे। चलिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हम ऐसे आ रहे हैं, देखिए एस लेंगे हम, ए से इधर से आ रहे हैं और धारा भी इधर ही आ रही है, तो पहले माइनस लेंगे। माइनस में क्या लिखेंगे, आई माइनस आई वन आर वन, आर वन को साथ में लेके चलेंगे, इसको जरूर ध्यान देना। और हमारा जो ये ई है इसे ई कहते हैं, ई को हम प्लस में लिख देंगे, प्लस ई वन, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला देखेंगे, हम ऐसे जा रहे हैं धारा विपरीत आ रही है, तो ठीक है माइनस ई टू, माइनस ई टू प्लस आई टू आर टू। देखिए हम ऐसे आ रहे थे, धारा विपरीत हुई, इधर से हम एक दूसरे से लड़ी, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था आपको, जब किसी चालक प्रतिरोध में कोई धारा अगर विपरीत दिशा में है तो उसको हमेशा हम तो प्लस में लिए, तो प्लस आई टू आर टू, ठीक है। अब इसको हम बराबर जीरो कर सकते हैं, तो ई वन ई टू, ई वन माइनस ई टू बराबर ये इधर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू, ये पहला समीकरण हो गया समीकरण एक, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण में सी एफ, दूसरा बंद पास लेंगे हम, बंद पास डी सी एफ ई डी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे चल रहे हैं, धारा भी ऐसे आ रही है, ठीक है। हम लेंगे माइनस आई वन प्लस आई टू, देखिए ये धारा इधर आई और ये धारा भी इधर आई, और जब धारा ऐसे जाएगी ये धारा दोनों यहां पे आई वन आई टू यहां पे आके जुड़ जाएगी, तो इसका मान इसलिए हमने लिखा है आई वन प्लस आई टू, ठीक है। और प्रतिरोध क्या था, आर थ्री, प्रतिरोध साथ मिलते चलेंगे हम लोग, प्लस अब ऐसे जाइए आप इधर से, इधर से धारा के साथ जहां धारा जा रहे हो आप उधर भी, आप भी उधर ही जा रहे हैं, तो प्लस आई टू आर टू, ठीक है। अब ई टू बराबर, यहां बराबर ई टू लिखेंगे, माइनस ई टू, तब ई टू बराबर प्लस में रहेगा, ई टू बराबर आई वन, ये प्रक्षांतर होगा उधर जाएगा, तो आई वन प्लस आई टू आर थ्री, ठीक है, और ये प्लस आई टू आर टू, ये हो गया समीकरण दो। तो ये आपका किरचॉफ का दूसरा नियम था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगली बार मैं और मेहनत करूंगा और आपको अच्छे से अच्छी तरह बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।